आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की और बताएंगे हम आपको इतिहास के सबसे क्रूर लुटेरे तैमूर के बारे में। बताएंगे साथ ही क्यों कहा जाता है इसे तैमूर लंग और कैसे इसने मध्य एशियाई देश जीत हासिल करने के बाद सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर नजर गड़ाई और भारत पर 1398 में आक्रमण किया और कैसे दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश का अंत हुआ और एक नए वंश की स्थापना हुई, उसका नाम था सैयद वंश। हम आपको बता दें मध्यकालीन का भारत का इतिहास स्टार्ट होता है भारत पर अरबों के आक्रमण से, जिसमें सबसे पहले मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। उसके बाद महमूद गजनवी के बाद महमूद गोरी, और कैसे महमूद गोरी ने त्राइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़े, जिसमें द्वितीय युद्ध में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में गोरी की विजय हुई और दिल्ली पे एक नए शासन की शुरुआत हुई सल्तनत काल। और उसी सल्तनत काल में गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, और उसी तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली पर आक्रमण हुआ तैमूर लंग का, यानी इतिहास के सबसे क्रूर लुटेरे का। हम आपको बता दें तैमूर के एक पैर में जख्म हो गया था, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलने को मजबूर था। यही वजह थी कि तैमूर को तैमूर लंग का किताब दिया गया और दुनिया में वह इसी नाम से जाना गया। तैमूर मध्य एशिया का एक आक्रामक योद्धा था, जिसने विश्व प्रसिद्ध विजेता बनने का ख्वाब देखा था। विदेशी भूमि को हड़पना और फिर उसे अपने शासन के अधीन कर लेना अब तैमूर का जुनून हो गया था। यही जुनून अफगानिस्तान, फारस, सीरिया, कुर्दिस्तान, तुर्किस्तान और एशिया माइनर के क्षेत्रों पर उसके जीत की वजह बनी। हम आपको बता दें मध्य एशियाई देश पर जीत हासिल करने के बाद उसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर नजरें गड़ाई। भारत में वह दिल से लूटपाट करना चाहता था। उसकी जलवंत इच्छा थी, इसलिए भी थी उसे भारत ले आई, क्योंकि इस अवधि में भारत कमजोर शासकों के अधीन था और यहाँ पूर्ण राजनीतिक अराजकता एवं लोगों के बीच असंतोष फैला था, क्योंकि भारत में तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसका अगला शासक कमजोर शासक था। इसके अलावा ऐसा इसलिए था कि फिरोज शाह तुगलक की मौत की वजह से हो रहा था, यानी दिल्ली कमजोर इसलिए था कि फिरोज शाह तुगलक की मौत हो गई थी। इसलिए यह समय भारत में तैमूर के आने के लिए सबसे अच्छा समय था। ऐतिहासिक कालक्रम में यह बहुत स्पष्ट लिखा है कि तैमूर भी भारत में काफिर हिंदुओं को उनके पापों के शुद्धिकरण के नाम पर इस्लाम धर्म अपनाने और गाजी का किताब हासिल करने के इरादे से भारत आया था। इसके अलावा उसके भारत आने का मकसद चंगेज खान के सपनों को भी पूरा करना था। तैमूर अपनी सेना के साथ भारत में दाखिल हुआ और साल 1398 में दिल्ली पहुंचा। उसने देश में खूब लूटपाट की, क्रूर नरसंहार किया। लूटपाट और महिलाओं का अपमान इस हद तक पहुंच गया कि लोगों ने अपनी बेटियों और बहनों का विवाह बहुत कम उम्र में ही करने का फैसला कर लिया था। इतिहास ये भी बताता है कि पूरे एक वर्ष तक भारत आतंक और गरीबी की चपेट में था, क्योंकि यहाँ के लोगों का धन सेना ने छीन लिया था। यहाँ अराजकता और रक्तपात अपने चरम पर था। पूरा देश पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। तथ्यों के अनुसार इस युद्ध में 1,00,000 से अधिक भारतीयों को मार डाला गया था। तैमूर का आक्रमण एक शैतानी दिमाग जो कभी चैन से नहीं रहता था कि करतूत के सिवा कुछ नहीं था। उसकी नासमझी भरे जुनून और गलत मनोविज्ञान का नतीजा दीर्घकालिक असफलता रही। परिस्थितियों को सामान्य होने में काफ़ी वक्त लग गया था। तैमूर ने सिर्फ संपत्ति लूटने के लिए सैकड़ों खूबसूरत इमारतों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत लगभग अपनी पूरी संपत्ति गंवा चुका था और आर्थिक आपदा के चरम पर था। उसकी सेना ने खड़ी फसलों को रौंद डाला और तैयार फसलों को जला दिया। खुले आसमान के नीचे पड़े शव और विनाश ने बीमारियों को बढ़ावा और भोजन की कमी पैदा कर दी।
इस आक्रमण का प्रभाव इतना अधिक था कि कोई भी अन्य तुगलक वंश अपनी शक्ति न तो फिर से हासिल कर सका और न ही गद्दी पर दोबारा बैठ सका। देश पूरी तरह से टूटने के कगार पर था और इसी घटना ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। हम आपको बता दें, तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों ही नष्ट कर दिया गया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन मुहम्मद की मृत्यु हो गई, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंत हो गया 1413 ईस्वी में। सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिरिज खान ने पराजित कर दिया। वह खिरिज खान तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था और तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश के बाद एक दिल्ली पे एक नया वंश की स्थापना होती है, लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की पानीपत की पहली लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और भारत पर एक नए वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की। हमने आपको बताया तैमूर के बारे में, बताया क्यों कहा जाता है तैमूर को तैमूरलंग, और बताया किस तरह उसने क्रूरता के साथ भारत को लूटा। साथ ही हम आपको बता दें एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर पूछेगा तैमूर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, आपका आंसर होगा 1398 में। तुगलक वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, आपका आंसर होगा सैयद वंश की। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन, लिखे कमेंट बॉक्स में। लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।